आपका क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, अ स्टील वायर टाइड टू द टॉप ऑफ द पोल इज अफिक्स्ड एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू कीप द पोल अपराइट। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द फुट ऑफ द पोल, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, नाउ तो हम पहले फिगर बनाते हैं। इसने क्या कहा देखो, इसने कहा एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई। तो सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोल ए एंड बी, तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, दिस इज 10 मीटर्स। ठीक है, नाउ अब देखो इसने क्या कहा है, अ स्टील वायर इज टाइड टू द टॉप ऑफ द पोल। टॉप ऑफ द पोल में स्टील वायर इसने टाई किया, ठीक है, एंड इज अफिक्स्ड एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो दिस इज द ग्राउंड। तो यहां से इसने क्या किया है देखो, इस पॉइंट में, सी पॉइंट में इसने टाई कर दिया। दिस इज योर स्टील वायर, वी कैन राइट इट एज वायर। ठीक है, नाउ फिर क्या बोला है, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। तो दिस इज योर एल, लेंथ ऑफ द वायर। तो अब आप देखो यहां पर क्या है, 45 डिग्री के अपोजिट में क्या है, दिस अपोजिट बाय हाइपोटनस, किसमें होता है, साइन में। तो साइन 45, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 10 बाई एल। साइन 45 हमारा कितना होता है, 1 बाई रूट 2, दैट इज इक्वल टू 10 बाई एल। ठीक है, नाउ तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट एल इज इक्वल टू 10 रूट 2, दिस इज इन मीटर्स। ठीक है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या करना है, रूट टू का वैल्यू डालना है। तो दैट इज इक्वल टू 10 × 1.414, दैट इज इक्वल टू 14.14 मीटर्स। ठीक है, यहां तक आपको करना है, दिस इज योर आंसर्स। ठीक है,